बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन भी हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने के बाद हंगामा और माइक तोड़ने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान को दो दिनों के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया है। इसके बाद हंगामा करते हुए भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बाहर धरना देंगे। इससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। लॉ एंड ऑर्डर और अन्य मुद्दों पर बीजेपी ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने हंगामा करते हुए माइक तोड़ दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बात पर कार्रवाई होगी। लखेंद्र पासवान पातेपुर से बीजेपी के विधायक है। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, वेल में आकर नारेबाजी भी करने लग गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि माइक तोड़ने की बात गलत है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हमारे दलित विधायक को गाली दी और धमकी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सदन चलाना है तो सत्ता पक्ष के विधायक वेल में क्यों आए। उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल राज है, अपराधियों की सरकार भ्रमित करने का काम करती है, लेकिन जनता सब देख रही है। इधर लखेंद्र पासवान ने अपनी सफाई में कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, इस दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। सत्ता पक्ष की ओर से मेरे लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियां भी दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने माइक तोड़ा नहीं, माइक खुल गया था। इधर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने फिर से बिहार में बिना परमिशन ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर रोक की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं। लेटर के साथ भाई वीरेंद्र सदन पहुंचे। राजद विधायक ने कहा कि बंगाल समेत 9 राज्यों में इस तरह का कानून है, बिहार में भी कानून बनना चाहिए। जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सदन की ओर से और भी प्रक्रियाएं होती है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पूरी करेंगे। मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा तो अगर माइक तोड़ दे तो कैसे लग जाएगा, और मेरा आचरण नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर अगर दलितों के साथ, अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ इसी प्रकार अत्याचार किया जाएगा बिहार विधानसभा में, और गाली देने वाला को और माफी मांगाइएगा, तो एक कताई मुझे मंजूर नहीं है। ये दलितों की मान की बात है, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं। माननीय माननीय पासवान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय 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 मुख्यमंत्री जी को मैं रोशन जी, माननीय रोशन जी, आप जी का स्थान ग्रहण करें। माननीय उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय स्थान ग्रहण करें। माननीय उप अभी माननीय सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे से छुए हैं, ये इतना मैं 4 बार छू दी लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है, कहे टूटा ऐसे से किए तो, अरे कीजिए, करके दिखाओ, छू के दिखाओ टूटता है तो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।